अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ माय मॉर्निंग रूटीन। तो सुबह उठते के साथ ही मैं अपने लिए टी बनाती हूँ। चीमी ब्लेंड की स्किनी टी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने इसको पूरा वीक सो फार ट्राई कर लिया है। तो ये टी जो है वो आपको वेट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और यहाँ पर मेरे पास बेबी पिंक कलर का टॉम्बलर है, इनके पास और भी बहुत सारे कलर्स हैं। और यहाँ पर एक हिडन स्पेस दिया हुआ है, आप इसके नीचे कोई भी रिंग वगैरह अगर आप जिम जा रहे हैं तो रख सकते हैं। और मुझे इसकी अच्छी बात ये लगती है कि इसके अंदर स्ट्रेनर है, मैं इसके अंदर टी डाल सकती हूँ और आराम से जो है वो ड्रिंक कर सकती हूँ, मुझे पहले स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो टी बनाने का तरीका ये है कि मैं तो 2 टीस्पून इसमें ऐड करती हूँ, आप चाहें तो 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। और आपकी टी के जो ये लीव्स हैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि आप इसको पूरे दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको ऑलमोस्ट पूरे दिन, ये जो मैंने लीव्स इसमें डाले हैं 2 टेबलस्पून, ये पूरा दिन मेरे चल जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती है। और साथ ही मैंने इसके अंदर गर्म पानी डाल दिया है, और इतना ही गर्म होना चाहिए कि जितना हम बर्दाश्त कर सकें, जितना हम चाय पीते हैं उतना ही गर्म। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मुझे मेरी टी पीना ऐसे ही अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर हनी और थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने पूरा 1 वीक इसको ट्राई किया है और ऑलमोस्ट मेरे 2 पाउंड जो हैं वो कम हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अपने ऑनेस्ट रिव्यू देने हैं। रिसीव मुझे वीक एंड हाफ पहले हुआ था। और आप लोगों को पता है कि मैंने अपना डाइट मील प्लान भी बनाया था, उससे भी मेरा 2 पाउंड वज़न कम हुआ। तो ऐसा नहीं है कि टी पीने से ही सिर्फ वज़न कम हुआ, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी होती है, थोड़ा सा खाना कंट्रोल करना होता है। और इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल ग्रीन टी की तरह है, लेकिन ग्रीन टी से बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि अभी इनकी वेबसाइट पे 50% ऑफ चल रहा है और भी बहुत सारी जो है वो डील्स चल रही हैं। तो प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैं सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, साथ ही साथ मैं पिन भी कर दूँगी। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो पूछ रहे थे कि कैसे वेट कम हुआ और क्या कर रही हैं आजकल आप, तो यही जो टी है जो मैं पी रही हूँ। और आप लोग भी ज़रूर इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और अब साथ ही साथ रख लेते हैं चाय का पानी, और क्योंकि टी तो मैं फिर पीती ही रहूँगी पूरा दिन ही, और मैं खाने के बाद पी लेती हूँ और फिर रात में भी इसको पी लेती हूँ। लेकिन ये जो चाय है ये बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बन रही है। जब तक मेरी चाय रेडी होती है इतने में मैं जो हूँ बर्तन जो रात के धुले हुए होते हैं वो लगा देती हूँ, जिनको हम जमाना भी बोलते हैं वो जमाती हूँ। इतने में मेरी चाय भी रेडी हो जाती है, और फिर मैं चाय को सबसे पहले ही निकाल देती हूँ ताकि जब तक मैं बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करूँ चाय मेरी जो है वो ठंडी हो जाए, ताकि बच्चों को खिलाने में नाश्ता मुझे आसानी हो जाए। क्योंकि अब्दुल्ला जो है वो चाय बिस्किट खा कर जाता है और अलाया जो है वो ब्रेड के साथ खा लेती है, इतना तो उनका सुबह सुबह दिल नहीं हो रहा होता। तो आपको नहीं पता कि सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा ये टफ़ टाइम होता है बच्चों को नाश्ता करवाना, और इवन हम लोग भी ऐसे ही थे। तो साथ ही मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अब्दुल्ला के लिए बना रही हूँ चंद्र पॉप। वैसे मैं उसको समटाइम्स रैप भी बनाकर दे देती हूँ, लेकिन आज जो है वो उसको रैप खाने का दिल नहीं है। और अच्छा यही होता है कि आप बच्चों से पहले पूछ लें कि उनको लंच में क्या चाहिए, ताकि वो फिर आराम से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर हलाल KNNs के मैं ये टेंडर पॉप्स यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं और थोड़े से स्पाइसी भी होते हैं। तो फिर उसको वैसे ही माशाल्लाह स्पाइसी खाना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैं उसको समटाइम्स ये भी दे देती हूँ। और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दे देनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो उनकी चीज़ें चेंज होती रहती हैं तो वो सुकून से खाते हैं। और यहाँ पर मैंने अलाया का दूध भी गर्म होने रख दिया है, क्योंकि लंच में मैं उसको दूध देती हूँ, साथ में 2 चिकन नगेट्स दे देती हूँ, क्योंकि लंच टाइम में मैं उसको स्कूल से जाकर पिक ही कर लेती हूँ, तो वो इतना लंच वहाँ पर करती नहीं है। और समटाइम्स मैं उसको थोड़े से स्नैक पैक कर देती हूँ। तो अब्दुल्ला का लंच भी रेडी हो गया था, तो लंच में मैंने उसको छोटा सा एक मिनी कपकेक दे दिया है 1 बाइट। और थोड़ा सा डिज़र्ट देना अच्छा रहता है बच्चों को, क्योंकि उनको आदत हो जाती है घर पे भी कि आप थोड़ा सा उन्होंने खाना खाया फिर उन्होंने डिज़र्ट खाया। तो इस तरह से स्कूल में मैं एक मिनी कपकेक 1 बाइट कपकेक ज़रूर रखती हूँ घर में, तो मैं इनको देती हूँ साथ में। मेरी तो रूटीन ऐसी होती है सुबह सुबह मशीन की तरह यहाँ से वहाँ भागना, बस आधे घंटे के अंदर अंदर मेरी टी भी रेडी हो जाती है और इनका नाश्ता भी रेडी हो जाता है, फिर मुझे सुकून मिल जाता है। क्योंकि जब लंच बॉक्स रेडी होता है ना, तो फिर मुझे सुकून से मैं इनको नाश्ता कराती हूँ और फिर बाकी जो सारे काम होते हैं वो करती हूँ।
तो सुबह सुबह तो मेरे बहुत ज़्यादा हसल करनी पड़ती है अब्दुल अहद के साथ, क्योंकि वो बड़ा है तो उसको कुछ ना कुछ करना होता है, लाइक गेम खेलनी होती है तो वो कहीं ना कहीं बिज़ी होता है। तो मैं उसको बोलती रहती हूँ जाके मुँह हाथ धो लो, प्लीज़ रेडी हो जाओ। तो खैर काफ़ी सुनने के बाद वो बेचारा फिर रेडी हो जाता है और हम लोग जो है वो अब निकल गए हैं स्कूल के लिए। मौसम देख रहे हैं आप लोग के बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, आज भी बारिश होने वाली है। और गाड़ी की हालत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो मुझे इसको फिर से क्लीन करना है। और सबसे पहले तो मैं छोड़ देती हूँ अब्दुल अहद को स्कूल और फिर उसके बाद अलाया को, क्योंकि अलाया का जो स्कूल है वो घर से 10-15 मिनट्स की ड्राइव पे है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती है उसको लाने ले जाने में ही। तो अब्दुल अहद का स्कूल आ गया था और अब चलते हैं अलाया को छोड़ने। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि वो इतनी छोटी है, आपने उसको स्कूल में क्यों कराया है? तो मैंने इसलिए कराया है क्योंकि वो घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी और सिर्फ वो 3 आवर्स के लिए स्कूल जाती है। इसका ये डे केयर नहीं है, डे केयर आफ्टर स्कूल्स का स्टार्ट होता है, तो मैं सिर्फ इसको 3 आवर्स के लिए वहाँ पर रखती हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा लर्न करती है, एक्टिविटीज़ करती है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और हम लोग इसको पे करते हैं। और अभी इसका जो यहाँ पर स्कूल प्रॉपर प्री स्कूल स्टार्ट होगा वो 3 ईयर्स से होगा, लेकिन यहाँ पर हमने इसको इसीलिए कराया कि इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो, क्योंकि बच्चा बच्चों में ही बहुत खुश रहता है। और अभी टाइम हुआ है 8:43, तो ये जो टाइम है मैं घर रिलैक्स हो जाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि दो बच्चे स्कूल चले जाते हैं और घर आते ही अपने हस्बैंड को उठाती हूँ काम के लिए, क्योंकि वो सो रहे होते हैं और मुझे बोल कर सोते हैं कि सुबह मुझे उठा देना जब बच्चों को छोड़कर आओगी। और अब नाश्ता बना रही हूँ मैं आरिफ का यहाँ पर, तो मैं अंडे के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट पेपर और हल्दी ऐड करती हूँ और हल्दी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, आप भी अपने बच्चों के खाने में ज़रूर ऐड किया करें क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और सिंपली थोड़े से ऑयल में इसको मैं बना लूँगी और ये मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मेरा भी दिल हो रहा था कि मैं अपने लिए सेम अंडा बनाऊँ लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड कर दूँ। और आर भी समटाइम्स ये खा लेता है, समटाइम्स नहीं खाता है, तो बच्चों के मूड पर डिपेंड करता है क्योंकि छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं क्योंकि एक चीज़ खा खा के वो बोर हो जाते हैं। और ये कि वीकेंड में डिफरेंट नाश्ता होता है, अब मैं कोशिश करती हूँ कि सर्दी है तो इनको अंडा भी दिया करूँ। अब्दुल अहद और अलायब बिल्कुल भी अंडा नहीं खाते हैं लेकिन माशाल्लाह आरिफ जो है वो समटाइम्स खा लेता है, वैसे वो भी मुझे तंग करता है अंडा खाने में। तो अब छोटे छोटे इसके पीसेस करूँगी और साथ ही मैं इसको फोर्क के साथ रख कर दे दूँगी। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लिविंग रूम की हालत क्या हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह इन लोगों ने पूरे टॉयज़ यहाँ पर फैला दिए हैं। और सबसे पहले तो मैं नाश्ता करूँगी और इसके बाद फिर दोबारा काम स्टार्ट करूँगी। तो नाश्ता जो है वो आरिफ को कराने के बाद मैं करती हूँ सुकून से, बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं नाश्ता करती हूँ, लेकिन आज जब मैं आरिफ के लिए अंडा बना रही थी तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं अपने लिए भी बनाऊँ और थोड़ा सा नाश्ता आज कर ही लेती हूँ। समटाइम्स करती हूँ, समटाइम्स नहीं करती हूँ, मूड पे डिपेंड करता है। और बस यही होती है सुबह सुबह की रूटीन, भाग दौड़ के सारे काम फिनिश करने होते हैं। और अब हस्बैंड जा चुके थे और सबसे पहले तो मुझे बेड को फिर बनाना होता है, इसको भी जमा देना होता है सारी शीट्स वगैरह लगा कर, क्योंकि ये अब्दुल अहद का रूम है, मैंने अपना बेड पहले ही बना लिया था। तो मैंने सोचा कि मैं एक ही आपको रूम दिखा देती हूँ क्योंकि दोनों रूम की सेम सेटिंग ही है। तो अब्दुल अहद यहाँ पर सो रहा होता है तो सारे ब्लैंकेट्स वगैरह इधर उधर उतरे हुए होते हैं क्योंकि वो सुबह सुबह से ही ब्लैंकेट के साथ खेल रहा होता है। और साथ ही मैंने सोचा कि लॉन्ड्री भी कर लेती हूँ, तो जगह जगह मेरे हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो पड़े होते हैं और बस मैं ढूंढ रही होती हूँ कपड़ों को कि कोनों कोनों से कपड़े मुझे मिल जाएं और मैं साथ ही आज जो है वो सारी लॉन्ड्री डन कर लूँ। बस दो तीन वो लोड्स होते हैं, मैं रोज़ के रोज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे फ़ोल्ड करने में बहुत तकलीफ़ होती है, धुल तो जाते हैं बेचारे लेकिन फिर वो पड़े रहते हैं रूम में फ़ोल्ड करने के लिए। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी से लोड्स लगा देती हूँ और पहले लोड तो मैं सबसे पहले हस्बैंड के ही कपड़े डाल दूँगी ताकि जितने भी उनके कपड़े हैं वो धुल जाएंगे। तो ये जो मेरी रूटीन है ये डेली की नहीं है, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ही इतनी टफ़ रूटीन हो जाती है जब मुझे लोड्स लगाने होते हैं कपड़ों के। तो आज मैंने इसीलिए इसको फिल्म कर लिया है ताकि अपनी रूटीन में इसको ऐड कर दूँ। तो पहला लोड जो है वो वॉश हो रहा है, यहाँ पर मैं जाकर लिविंग रूम को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि मेरी नाइट टाइम रूटीन होती है क्लीनिंग की।
बस लिविंग रूम को थोड़ा सा मुझे जो क्रम्स वगैरह बच्चे बिस्किट्स खाते हैं तो वो नीचे कारपेट पे ज़मीन पे गिरे होते हैं, तो मैं बस उसको जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ। और क्लीनिंग तो मेरी नाइट को ही डन हो जाती है, एवरी अदर डे क्लीनिंग होती है, और जो डीप क्लीनिंग होती है वो फ्राइडे या फिर सैटरडे नाइट को होती है। तो अब मैं काम से पूरा डन हो चुकी हूँ, कपड़े धुलते रहेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा पानी पीने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि घर माशाल्लाह मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 11:30 का टाइम है, और इस टाइम जो है वहाँ मैं बिल्कुल फ़ारिग हो जाती हूँ। लेकिन अब फ़ारिग भी क्या होती हूँ कि मुझे साथ में खाना भी रेडी कर लेना होता है, लेकिन मेरे पास अदरक नहीं है तो मैं जाकर अदरक भी लूँगी और अलाया को पिक भी करूँगी स्कूल के लिए, क्योंकि 12 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। तो चलते हैं, आप सबसे पहले तो हम चलकर अदरक ले लेते हैं, क्योंकि फिर घर आते ही मुझे खाना पकाना होगा। यूजुअली मेरा इस टाइम तक खाना भी रेडी हो जाता है, लेकिन अभी अदरक नहीं था जो कि मेन पार्ट है मेरे खाने का। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले यहीं पर ही स्टॉप कर लेते हैं, और ये मार्केट बिल्कुल मेरे घर के पास है, चाइनीज़ मार्केट है, तो मैंने सोचा कि यहीं चली जाती हूँ, क्योंकि अगर दूसरे स्टोर गई तो मेरी बहुत लंबी चौड़ी लिस्टें निकल आएंगी, तो वो फिर मैं बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पर मुझे अदरक मिला, लेकिन इतना एक्सपेंसिव था, दो छोटे छोटे पीस जो हैं वो ऑलमोस्ट $3 के थे, लेकिन मुझे ज़रूरत थी तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। और फिर मैंने अपनी दोस्त से डिस्कस किया कि यार मुझे पता है कि जो चाइनीज़ स्टोर होते हैं, कोरियन स्टोर होते हैं, इनकी जो ग्रोसरी होती है वो ऑर्गेनिक होती है और एक्सपेंसिव बहुत होती है। तो घर आने के बाद बच्चे मैंने सुला दिए हैं और अब अपने नैप ले रहे हैं। यहाँ पर मैं लंच रेडी कर रही हूँ। लंच में मैं बना रही हूँ व्हाइट कढ़ाई, जो कि आप सबने ही बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की हुई थी, लेकिन फाइनली मैंने सोचा कि आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी करूँ। थोड़े से ऑयल में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है फ्रेश, और साथ ही इसके अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ। और चिकन को अब हमें अदरक लहसुन में भूनना है। अदरक लहसुन का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करिएगा जब आप ऑयल के अंदर ऐड करेंगे, उसको एज इज़ रहने दीजिएगा। 1-2 मिनट के लिए उसको रखिएगा ऑयल के अंदर, फिर साथ ही चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन को भी आप अच्छी तरीके से हम लोग का कलर चेंज होने तक पका लेंगे। तो कलर हमें ब्राउन, लाइट ब्राउन सा लेकर आना है। अच्छी तरह से चिकन को हमें ऑयल में फ्राई करना है, और ऑयल हमने अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, इसके अंदर ऑयल वैसे ज़्यादा ही डलता है। तो मीनवाइल मैंने यहाँ पर थोड़ा सा योगर्ट ले लिया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून योगर्ट है, और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया है। ये ड्राई रोज ज़ीरा और धनिया पाउडर है, इसको मैंने सेक लिया है थोड़ा सा, और इसको मैंने पीस लिया है, और 1.5 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया है। और साथ ही मैंने, मेरे पास पिसी हुई काली मिर्च नहीं थी कुटी हुई बाहर से, तो मैंने घर पर ही फ्रेश कूट ली हैं, और इसको भी मैं टोटल 1 टीस्पून ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी। लेकिन एंड में फिर हम अपने मसाले जो हैं वो बैलेंस कर सकते हैं, अगर हमें ज़्यादा ऐड करना होगा काली मिर्च का, काली मिर्च पाउडर, तो हम फिर और भी ऐड कर देंगे। तो अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है, और फिर अब साथ ही अपनी चिकन को चेक करेंगे, और यहाँ पर चिकन का कलर जैसा मुझे चाहिए था वैसा आ चुका है, थोड़ा सा ब्राउनिश सा, और इसमें वाइटनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और अब जो हमारा योगर्ट है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है, बिल्कुल भी इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा नहीं करना होता है। आप अगर ट्राई करेंगे तो आपकी व्हाइट कढ़ाई बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि उनसे कढ़ाई अच्छी नहीं बनती है, लेकिन अगर मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके पूरे घर को पसंद आएगी। तो अभी जो भी मेरे योगर्ट बॉक्स में योगर्ट था, उसको मैं पानी की हेल्प से सारा निकालूंगी मसाला, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा योगर्ट नहीं था। आपके पास अगर ज़्यादा हो तो आप हाफ कप भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास जितना था मैंने उससे ही गुजारा कर लिया। तो बस वही बात है ना कि मुझे एंड में ही चीज़ें याद आती हैं जब मैं पकाने खड़ी होती हूँ। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके जो है वो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे, जब तक हमारी जो चिकन है वो थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती, पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्चें ले ली हैं मोटी वाली, क्योंकि इनका टेस्ट अच्छा होता है, ये स्पाइसी नहीं होती हैं, और आप इसमें अपने हिसाब से हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो। तो मैंने इसको मैं तो कूंडी बोलती हूँ, और हावलदस्ता भी बोलते हैं कुछ लोग, तो इसको हल्के से बस प्रेस करना है, इतना प्रेस करना है कि वो टूटे ना, लेकिन मुझसे ये टूट गई थी, मैंने कुछ ज़्यादा ही इसको बेचारी को मार लगा दी थी। तो आपने इसको बहुत हल्के से मारना है, देखें बाकी मैंने जो है वो एज इज़ रखी हुई है, और ये पक्की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप लोग हलीब और जो भी ब्रांड यूज़ करना है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पानी जो है वो अब ड्राई हो चुका है, ऑयल भी इस साइड से आ चुका है, और अब आपको लगे कि ऑयल आने लग गया है, तो अब आप इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो मैं तो अभी सिर्फ हाफ कप दूध ऐड करूँगी, लेकिन अगर मुझे आगे ज़रूरत पड़ी तो फिर थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। और अभी हम दूध को ड्राई होने का वेट करते हैं, इसको अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे, और साथ ही मैं इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। और इसके अंदर वैसे तो कोई भी मिर्चें नहीं डलती हैं, तो सारा जो फ्लेवर है वो हरी मिर्चों का ही है। आप चाहें तो हरी मिर्चें जब आप अदरक लहसुन
पीसें तो साथ ही ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी, तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी क्रीम भी खोली है, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर एक लम्ब से बने होते हैं, तो बस उसको ही मैं निकालूंगी ताकि कढ़ाई में इसके लम्स नज़र ना आए और ये फटी फटी ना लगे, एक अच्छी स्मूथ सा टेक्सचर आए। तो अब मैं इसके अंदर हल्के हाथ से इतना डाल दूंगी डिज़ाइन बनाकर। मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून बचा ली है, पूरी नहीं ऐड की है क्योंकि मुझे लगा था कि इतनी सही रहेगी। अगर आपको पूरा एक पैकेट ऐड करना है तो ज़रूर ऐड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम जो है वो आपने लो कर देनी है क्योंकि दूध का जो मलाई का जो है वो फटने का ख़तरा होता है, वो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल लो कर दिया है। और अभी मैंने इसको कवर कर दिया है। यहाँ पर मैंने ऊपर धनिया और थोड़ा सा अदरक डाल दिया है, थोड़ी सी हरी मिर्ची डालना चाहें तो वो भी कुटी हुई डाल सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल मेरी कढ़ाई रेडी हो चुकी है और ज़रूर इसको ट्राई करना है, आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। मुझे और मेरे घर वालों को बहुत अच्छी लगती है, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। तो आई होप कि आप लोगों ने आज की रेसिपी मेरी रूटीन एंजॉय की होगी। अगर आप लोगों को मज़ा आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल को पहली बार देखा है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।